आपका काम स्टार्ट हो गया है मंदिर का, अब इसमें अब जनता जनार्दन लोग का सहयोग होगा तो और बेहतर बहुत बढ़िया काम होगा। ये हमारे गांव के पंडित जी हैं, बोलू जनता से का अपील बा? तो हमारा हाँ आ गेल बा गांव के समाज के लोग से। भाई गांव समाज वालों से चौहनिया राम जानकी मंदिर के पुजारी के तरफ से आप लोगों से आग्रह किया जाता है कि यह मंदिर का खम्भा चारों तरफ से टूटा तोड़ करके हटा दिया गया है। जी जी। ये एक आदमी का बस का नहीं है, आप लोगों का है मंदिर, आप लोगों का है, ये सामाजिक मंदिर है। आप लोग गांव के हैं, चौहनिया में मंदिर है, भगवान का दरबार है, भगवान सब किसी के हैं। आप लोग सभी आदमी गांव समाज मिलकर के सहयोग करके इसका छत को ढलवा दीजिए, वो पुण्य का काम है, अधर्म का काम नहीं। बाहर के लोगों का सहयोग इसमें दिया जा रहा है, बाहर गांव वालों का सहयोग दिया जा रहा है, आप लोग का उसे और बढ़कर आप लोग भगवान के दरबार में जब खर्चा कीजिएगा तो आपको वहाँ जमा रहेगा, यहाँ का धन आपका नहीं है, वहाँ जो जमा रहेगा वो सब आपका रहेगा। मेरा तो यही आग्रह है कि आप गांव समाज मिल करके सहयोग करके इस मंदिर का छत को ढलवा दीजिए। ये है हमारे चौहनिया राम जानकी मंदिर के महान पुजारी श्री उदय चंद्र दुबे। बाकी मंदिर का निर्माण कार्य आपका सामने शुभारम्भ हो गया है और गांव के बाहर के निवासी लोग इसमें बहुत चढ़ बढ़कर सहयोग कर रहे हैं। और आप लोग जितने बाहर नौकरी करने वाले, प्रदेश में नौकरी करने वाले लोग हैं, आप लोग इसको आगे से आगे शेयर कीजिए, गांव के जितने सदस्य हैं बाहर नौकरी करते उसको भेजवाइए। और आप लोग इसमें ये भी नहीं कहिएगा कि हम पहले चंदा दे चुके हैं लेकिन वो पैसा कहाँ के आ गया, वो तो आगे का बात है, लेकिन अभी काम स्टार्ट हो गया है। इसमें आगे चबूतरा बढ़ाया जाएगा, ऊपर लिंटर छत सब डाला जाएगा। आइए हम मिस्त्री जी से बात करते हैं, इनको क्या दिया गया है हिसाब किताब बनाने का। तो मिस्त्री जी आप बताइए कि इस पे क्या आगे बढ़ेगा, क्या होगा, छत छत क्या बनेगा? छत बनेगा पूरा बरामदा, ये सब कुछ बनेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा आगे चबूतरा बनेगा। अच्छा हाँ, ये पूरा मतलब मंदिर का विस्तार रूप से बनाने का सब कुछ का ये है। चलिए ठीक है, हम इतना वीडियो डाल रहे हैं व्हाट्सएप चौहनिया ग्रुप पे और भी ग्रुप पे, आगे का वीडियो आगे डाला जाएगा जब कुछ और होगा। अभी तो पिलर तोड़ा जा रहा है आपके सामने ये जो देख रहे हैं, और ये आगे तक बढ़ के आएगा ताकि बारिश में अगर कोई कीर्तन भजन करवाना चाहता है, सत्यनारायण भगवान का पूजा, उनको पंडाल लगवाने की जरूरत नहीं है, बारिश में इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि बारिश आ गया कीर्तन बीच में चाहे पूजा बंद होगा, इसी पर सब कुछ होगा और भी आगे व्यवस्था होगा। बस आप लोगों का सहयोग और कृपा बना रहेगा तभी, एक आदमी से संभव से नहीं है। धन्यवाद।